हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर, आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। कैलेंडर रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और कैलेंडर का ये तीसरा क्लास है। अगर दो क्लास आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, तब ये तीसरा क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आज कुछ नया बताने वाले हैं, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले। टोटल 5 क्लास में हम पूरे कैलेंडर को खत्म कर देंगे, तो कैलेंडर की तीसरी क्लास, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, साथ ही साथ इसका ट्रिक क्या है, कैसे कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अपने पंजों को, अपने हाथ की उंगलियों को कुछ इस तरह से रखेंगे, जो ऊपर उठा हुआ दिखे वो 31 का होता है। जैसे ये जनवरी 31 का, फरवरी हमें पता है कि वो 28 या 29 का होता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें पता है कि जुलाई यहां पे रुकता है और अगस्त की शुरुआत यहां से होती है। यानी जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जिनको जो 31 31 का होता है, वो भी लगातार कंटिन्यू। तो पहले मैं आपको महीने का बता देता हूं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो अगर बात करें कि महीने का, ठीक है, महीना की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है कि जनवरी, सर जी जनवरी 31 का होता है, फेब्रुवरी, सर जी फरवरी या तो 28 का या तो 29 का, अगर लीप वर्ष हो तो 29, सामान्य वर्ष हो तो 28, ठीक है। मार्च की बात करें, सर जी मार्च हमें पता है 31 का होता है, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30 का होता है, मई की बात करें तो मई 31 का, जून, जुलाई, और हमें पता है कि जून 30 का और जुलाई 31 का, और हमें यह भी पता है कि जुलाई और अगस्त बिल्कुल सटा हुआ है तो यह भी 31 का ही होगा, सितंबर 30 का होता है, ठीक है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, एंड दिसंबर फाइनली कितने दिनों का, 31 का। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये चीज पता होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फेब्रुवरी है, अगर सामान्य वर्ष हो यानी जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, उसमें फरवरी 28 दिन का, अगर लीप वर्ष हो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, फरवरी 29 का, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से किस तरह के प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी बेहतरीन ढंग से कि कैसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत बहुत ही मजेदार क्लास है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, वहां पे मक्खन बैच शुरू हुआ है जिसमें मैथ और रीजनिंग की पूरी क्लासेस करवाई जाती है। प्रत्येक दिन कम से कम 30-40 बच्चे उस बैच को ले रहे हैं, इतनी डिमांड है, जबकि 10 दिन पहले वो बैच शुरू हुआ है। न्यू बैच है, मक्खन बैच, फुल्ली लाइव है, और उस पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा शुरू से अंत तक, और जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है आप तो देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि सर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की डिमांड अगर की जाए तो किस तरह के प्रश्न यहाँ पे इस क्लास में, मतलब इस तरह से किस तरह के प्रश्न बनेंगे। अच्छा, ये चीज और याद रखिएगा, अगर कोई महीना बोल रहा है तब तो हमें पता है कि कौन 28 का, कौन 29 का, कौन 30 का, कौन 31 का, लेकिन अगर बोले किसी महीने में, ठीक है, किसी माह में, तो ये एक सवाल है कि सर अगर सिर्फ डायरेक्टली किसी माह में बोल दे तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी महीने का जिक्र ना हो तो महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। कॉपी में नोट करिए इतना फटाफट, अगर महीने में कोई खास माह का जिक्र नहीं हो तो महीना 30 दिन का होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों का? से यस्यनो, अगर किसी खास माह का जिक्र नहीं हो तो महीना कितने का होता है जी, महीना 30 का होता है। एक सेकेंड, कोई बात नहीं है, ठीक है, यू डोंट वरी, ये कैमरे की सेटिंग है, यू डोंट वरी। तो महीना कितने का होता है, 30 दिन का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, देखो क्लियर है, अगर महीने का डिस्कस ना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा कुछ नहीं हो तो महीना 30 दिन का। अगर हम बोले कि यदि किसी माह का, यदि सवाल में बहुत बेहतरीन सवाल देने वाला हूं, यदि किसी माह का 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख रविवार हो तो माह में कितने रविवार होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत बेहतरीन सवाल, डिमांड है ऐसे प्रश्नों की। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए
कि सपोज दैट करिए कि इसका तो मैं सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर दूंगा। देखिए समझिए, अभी मैं ट्रिक भी यूज करने वाला हूं, पर अभी बेसिक से समझिए। कह रहा है किसी माह का 5 तारीख जो है वो रविवार है, तो माह में कितने रविवार? आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए आज संडे है, तो अगला संडे कब आएगा? चाहे वो दिन हो, मतलब बरसात आ जाए, गर्मी आ जाए, ठंडा आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, लेकिन हर 24 घंटे के बाद हम अगले दिन में प्रवेश करते हैं। तो हमें पता है कि अगर 5 तारीख को संडे है, ठीक है, 5 तारीख को अगर संडे है, तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि अगला संडे 7 दिन बाद आएगा, यानी 12 तारीख को संडे, फिर अगला संडे 12 + 7 19 तारीख को संडे, फिर अगला संडे 19 + 7, यानी हर 7वां दिन, कॉपी में लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है, हम हर 7वें दिन उसी दिन को रिपीट करते हैं जहां पे हम थे। तो 12 + 7 19 + 7 क्या हो जाएगा? 26 तारीख। यानी देखिए हमें इस माह में कितने संडे मिल गए? कहेंगे सर एक तो 5 तारीख को मिल गया, एक 12 को, एक 19 को और एक 26 को, यानी कितने संडे? कितने जी, सॉरी, कितने संडे? 4 संडे। हम हर 7वां दिन उसी दिन को रिपीट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मौसम में कोई भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम हर 7वें दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। क्लियर है? एकदम मस्ती में जा रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देखिए बाकी है। अगला क्वेश्चन कि अगर 3 तारीख को, मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं क्योंकि खुद भी आप बोर हो जाओगे, 3 तारीख को वेडनेसडे है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि माह में, या ऐसे पूछ रहा है कि जनवरी में, जनवरी में कितने मंडे होंगे? अगर किसी महीने, अगर 3 तारीख के जगह पर आप कर दो 3 जनवरी, ठीक है, कि अगर 3 जनवरी को वेडनेसडे है तो पूरे जनवरी में कितने सोमवार होंगे? बहुत ही सिंपल सा सवाल। देखो सवाल मैं लिखता कम हूं, बता रहा हूं, समझो इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। सवाल बहुत ही सिंपल करा है कि 3 जनवरी को बुधवार हो, वेडनेसडे हो, तो सवाल करा है कि 3 जनवरी को जब बुधवार है तो पूछ रहा है कि कितने मंडे, कितने सोमवार होंगे। अच्छा देखिए, 3 जनवरी को बुधवार, हमें पता है कि 3 जनवरी से पहले 2 दिन और भी है, जब 3 को बुधवार है तो 2 को मंगलवार होगा, तो 1 को सोमवार होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यहां 3 जनवरी को कह रहा है बुधवार है, और फिर प्रश्न पूछ दिया कि इस माह में कितने सोमवार होंगे। तो जब 3 को बुधवार है तो सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी को मंडे होगा, क्योंकि 1 को मंडे, 2 को ट्यूजडे, 3 को वेडनेसडे, तो 1 को मंडे, फिर 7 दिन बाद, 1 को मंडे है ना, फिर 7 दिन बाद 8 को मंडे, फिर 8 7, 8 7 15 को मंडे, 15 7 22 को मंडे, और 22 7 29 को मंडे होगा। लेकिन क्लियर समझिए, 1 मंडे, 2 मंडे, 3 4 5, कितने सोमवार? 5 सोमवार कहिए अगर सर, 7, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, और महीना में 31 हो सकता है ज्यादा, तो 7 5 35 कैसे हो गया? इसलिए होगा क्योंकि 1 जनवरी को ही सोमवार था, इसका 6 दिन पिछले पिछले माह में घुस गया होगा वो। पहले इतना कॉपी में नोट करिए, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी में नोट करिए, और बिल्कुल बताइए कि समझ में आ रहा है, से यस या नो, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, आ रहा है 100% क्लियर जा रहा है माइंड में, कंफर्म, वेरी गुड। चलो एक और सवाल देखो, सिंपल है, 3 जनवरी को अगर बुधवार है तो पूछ रहे कितने सोमवार होंगे, जबकि जनवरी है, और हमें पता है कि जनवरी 31 का महीना होता है, लेकिन 29 तक ही जाएंगे क्योंकि अगला 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर हम फरवरी में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, सिंपल समझो। और ये मैं अपने मन से दे रहा हूं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सवाल है कि यदि 5 फरवरी, 5 फरवरी को रविवार है, 5 फरवरी को रविवार है, तो 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अच्छा एक बात और समझ में नहीं आया कि फरवरी है तो लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, 28 दिन ही मानिएगा, अगर लीप वर्ष रहेगा तो क्लियर करके बोलेगा। जब वो, जब जैसे किसी संख्या के आगे पॉजिटिव लगा रहता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन निगेटिव लगाना हो तो बोलना रहेगा। सामान्य वर्ष में बोला नहीं जाता, लीप वर्ष में बोला जाएगा। तो करे 5 फरवरी को रविवार है तो 27 को क्या? देखिए 5 को संडे है तो हमें पता है 7 दिन बाद, यानी 12 को फिर से संडे होगा। अभी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। 12 7 19 को संडे, और 19 7 26 को संडे होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है 27 को, 27 तारीख को क्या हो जाएगा? 27 तारीख को हो जाएगा
मंडे, सोमवार. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? एक बार देखते चलिए, देखते चलिए और सवाल पूछते चलिए. 3 मार्च को गुरुवार, अपने मन से मैं प्रश्न दे रहा हूं. अभी देखिए ट्रिक भी बताएंगे, अभी लंबे लंबे क्वेश्चन, ठीक है? तो 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? समझिए इस चीज को. अभी इसका ट्रिक मैंने नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी जल्द ही अप्लाई करने वाले हैं, पहले बेसिक सीख जाइए. 3 मार्च को गुरुवार है तो 10 अप्रैल को, देखिए 3 मार्च को गुरुवार है और 3 मार्च से हमें 10 अप्रैल तक चलना है. 7 दिन बाद जोड़िएगा, ठीक है? 7 दिन बाद जोड़िएगा तो 10 मार्च को भी गुरुवार, फिर 7 दिन बाद 17 को भी गुरुवार, 7 दिन बाद 17, 7, 24 को भी गुरुवार. और हमें पता है कि जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 31 का है, तो 24, 7, 31 को भी गुरुवार. और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 तारीख को 7, ये अब ये मार्च से कहां प्रवेश कर गए, अप्रैल में प्रवेश कर गए. 7 को भी गुरुवार, क्योंकि ये गुरुवार है तो हर 7 दिन बाद गुरुवार ही होगा. 8 को फ्राइडे, 9 को सैटरडे, हमें चाहिए कब का जी, 10 अप्रैल का. 10 अप्रैल को हो जाएगा संडे, ठीक है? तो कहिए सर लग नहीं रहा है कि कुछ लंबा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? बिल्कुल यूज कर रहे हैं. अभी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक में. पहले इतना समझ में आया सबको? से यस या नो आ चुका है माइंड में, एकदम 100% जाके रुक गया है? बिल्कुल, एक बार कमेंट कर देंगे कि जी सर बिल्कुल समझ चुके. अब देखिए कुछ भारी भारी प्रश्न, भारी भारी प्रश्न कैसे, कि मान लो अभी इस पे एक क्लास और करवाएंगे, 6 क्लास उम्मीद है कि कैलेंडर का होगा. और यकीन मानिए बहुत बेहतर ढंग से आप सीखेंगे, बहुत मजा आएगा. अभी तो मेन कॉन्सेप्ट हमने बताया है नहीं, कैलेंडर का भी तो बताना बाकी है. देखो अब कुछ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है? हार्ड क्वेश्चंस. अब सवाल है सर इसको कैसे करेंगे, हार्ड क्वेश्चन. सवाल देखिए, पहला सवाल है कि यदि 10 जनवरी को, कुछ भी लिख दीजिए, फ्राइडे, शुक्रवार हो, 10 जनवरी को फ्राइडे, तो 15 मार्च अप्रैल दे दूं, हाँ 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? कहिए सर अब इसको कैसे ट्रिक में बनाएंगे, अब तो जनवरी से अप्रैल जाते जाते माथा खराब हो जाएगा. देखिए शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर, ठीक है? शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय, शॉर्ट मैजिक, सॉरी ट्रिक तो मैंने लिखना भूल, शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर, ठीक है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी, और कोशिश जब तक नहीं करिएगा, ठीक है? और कोशिश करिए एक बार, कभी हार नहीं होगी, ठीक है? इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार. 10 जनवरी से आपको चलना है 15 अप्रैल. आप बताइए 10 जनवरी तो खत्म हो गया, जनवरी में अभी कितने दिन है? क्योंकि हमें पता है जनवरी 31 का महीना होता है, तो अभी कितने दिन, 21 दिन. प्लस फरवरी में कितने दिन? कहेंगे सर फरवरी में अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो 28, अगर लीप ईयर बोलते तो 29 फरवरी. मार्च में कितने? सर मार्च में भी 31 दिन. अभी इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले ये तो सीख जाओ. अप्रैल कहां तक चलना है जी? 15 अप्रैल तक. और हमें पता है कि हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, तो हम 7 से भाग दे देंगे. सर 7 से क्यों भाग दिया बाबू? 7 से इसलिए भाग दिया क्योंकि हम हर 7वें दिन उसी दिन को देखते हैं, क्योंकि आज मंडे है तो 7 दिन बाद फिर से मंडे होगा, इसमें कोई शक नहीं है. अब देखिए समझिए, 30, 30, 60, 8 ऐसे कर लीजिए, 30, 20, 50, 51, 52, 52, 52, 60, 20, 80, 15, 95. 95/7 करिए, आप देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है? रिमाइंडर 7 × 7 2 बच गया, 5, 7, 21, 13, 7, 91. शेष कितना बचा, कटना की कटा कितने बार से, शेषफल ये नहीं, 13, 7, 91 शेषफल 4 बचेगा. कितना बार में कटा उससे हमको मतलब नहीं है, रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा. और इस 4 को आप इसमें जोड़ दीजिए, फ्राइडे प्लस 4, फ्राइडे प्लस 4, ये ट्रिक है बाबू. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार. क्लियर है?
100% क्लियर होगा। अभी कहिएगा सर इससे भी शॉर्ट ट्रिक है? जी हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो असली हुंकार बाकी है, असली मैजिक ट्रिक बाकी है। अभी तो बस देखते जाओ कितना कितना कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट। अब देखिए, 1 जनवरी को फ्राइडे, फ्राइडे बार बार हो रहा है, मंगलवार लिख दो भाई, ट्यूसडे, 1 जनवरी को मंगलवार, तो 8 जुलाई को कौन सा दिन होगा? बाप रे बाप, इतना लंबा सवाल सर। जी हाँ, इतना लंबे के लिए ही हम आपको ये जो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखेगा उसी को पता चलेगा कि इस वीडियो में सबसे बड़ी खासियत क्या है। ठीक है, जो शुरू वाली 10-5 मिनट देखकर निकल गया उसको तो ऊपर ऊपर ही बाउंस कर रहा होगा, लेकिन जो क्योंकि सभी तो और भी ट्रिक बाकी है, अभी तो मैंने उसको यूज भी नहीं किया, और वो तभी यूज करेंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपने बीच से स्टॉप कर दिया तो फिर हो गया कल्याण, समझ रहे ना आप हमारी बात को। तो अभी कॉन्सेप्ट बाकी, सोचो 1 जनवरी से जुलाई चल गए हम, 2 तरीके से हम इसको बनाएंगे। एक तरीका एकदम आराम आराम से, ठीक है, एक तरीका आराम आराम से, और एक एक जो है वो बेस्ट बेस्ट ट्रिक, ठीक है, बेस्ट ट्रिक। और ये ट्रिक बहुत कम बच्चों को हम बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले बेसिक से समझिए, बेसिक नहीं, ये भी ट्रिक है जो पहले यूज कर रहे थे कि हमें जनवरी से चलना है, 1 जनवरी से चलना है मंगल, 8 जुलाई तक। हमें पता है जनवरी 1 हो गया, जनवरी में अभी कितने दिन? 30 दिन, क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है, तो 30 दिन और। फरवरी 28 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30, मई, जून और जुलाई कितने? 8 जुलाई का। ये सर ये भी तो हार्ड ही लग रहा है, डिवाइडेड बाई 7। देखिए फिर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि हमें 8 जुलाई का चाहिए। अब देखो जोड़ने का भी एक कला होना चाहिए। 30 30, अब कही सर 30 मत दीजिए तो 28, हम 30 लेंगे। 30 30, 60 या 90, 30 छक 120, 30 5 150, 30 छक 180, 180 हुआ, ये 2 ज्यादा था, 2 178, 1 ज्यादा है 179, 1 ज्यादा है 180, मतलब यहां -2 था, यहां +1 था, यहां +1 था, क्योंकि हमने 30 ही लिया था ना, 1 2 3 4 5, 180, और ये 2 कम था और ये 2 ज्यादा था, माइनस प्लस खत्म, 180 और प्लस 8, 188, 188 बटे 7। अब देखिए, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 28, 24 × 5 = 120, 24 × 6 = 44 से, नहीं, 7 × 2 = 14, नहीं, गलत हो गया ये तो, 7 × 2 = 14 और 7 × 6 = 42, 26 × 5 = 130, 26 × 7 = 182, शायद रिमाइंडर 26 बार में तो कटेगा नहीं, शेष बच गया यहां से, शेष बच गया यहां से 6, और इस 6 को कहां पर ले जाके प्लस करना है? इसमें, मंगलवार में, तो मंगलवार प्लस 6, अब करके देखिए सोमवार आएगा, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तो फिर मंगलवार ही आएगा, हमने 1 कम जोड़ा है तो 1 पीछे आएगा सोमवार। अब कहिए सर बेस्ट मैजिक ट्रिक कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये डिवाइडेड बाई 7 हम क्यों कर रहे हैं? सॉरी, ये जो है जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये डिवाइडेड बाई 7 क्यों कर रहे हैं? सर जी, डिवाइडेड बाई 7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हर 7वां दिन उसी दिन को रिपीट करते तो 7 से भाग दे देते। आप ऐसा कर लो ना, सब में एक एक कर करके दे दो। जनवरी 1 हो चुका है, जनवरी में 30 दिन बचे हुए हैं, तो आप 7 से भाग दो, 7 × 28, शेष कितने बचे? 2। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ड्रीम क्लासेस है, यहां पर सपनों को एक नई उड़ान दी जाती है, और एक एक यकीन मानिए कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जनवरी में 1 जनवरी खत्म हो गया, अभी 30 दिन है, 7 से भाग दे दो 30 में, 7 × 28, शेष कितने बचे? 2, बेस्ट मैजिक ट्रिक। प्लस फरवरी 28 का होता है, 7 × 28, कुछ नहीं बचा, 0 मन है तो लिखो, नहीं मन है तो नहीं लिख देना। मार्च की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च में 7 × 28 रिमाइंडर बचा, 3, जो रिमाइंडर बचे बस उसको लिखो। अप्रैल में 7 × 28 रिमाइंडर बचेगा, 2, 7 × 28 रिमाइंडर, 3, 7 × 28 रिमाइंडर, 2,
और यहां पर सात एकम सात रिमाइंडर शेषफल एक डिवाइडेड बाई सेवन, उससे तो आसानी है, दो तीन पांच, दो सात तीन दस, दो बार बारह और एक तेरह, तेरह बटे सात करेंगे, सात एकम सात, शेष कितना बचेगा, कहेंगे सर चौदह रहता तो पूरा कर जाता, शेष बचा छह, और यहां पर कितना था जी, मंगलवार था ना, मंगलवार प्लस सिक्स सोमवार, हर तरीके से सही जवाब। कॉपी में नोट करिए, एक बेहतरीन क्लास हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें बहुत मजा ही मजा है और बहुत बेहतरीन ढंग से आप सीख रहे होंगे, ये हमें पूरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर और हमें अपने आप पे भी भरोसा है कि हम अच्छा सिखा रहे होंगे आपको। एक बार हम चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करिए कैसा लग रहा है, वीडियो शेयर करने में लाइक करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करेंगे, और ये बेहतरीन क्लास इस बैच के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बैच बहुत स्पेशल है आपके साथ, आपके जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं आकर हमारे साथ। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैलेंडर की एक नई भूमिका, एक अजब भूमिका है, लोग कैलेंडर को बहुत ही प्यारे नजरिए से देखते हैं कि सर कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, चलो अब कुछ और, अब और मैजिक ट्रिक यूज करते हैं। 5 जनवरी को अगर मान लीजिए बुधवार है, बुधवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, देखो समझो इस चीज को, शॉर्ट मैजिक ट्रिकली सॉल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट मैजिक ट्रिकली सॉल्यूशन, सवाल है कि 5 जनवरी को बुधवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन है। जनवरी 31 का महीना होता है, 5 दिन बीत चुके हैं, 26 दिन बाकी है, 26 में अगर देखिए शॉर्ट ट्रिक वो डायरेक्टली काटने वाला, 5 दिन बीत चुके हैं, 26 दिन बाकी है, 26 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 चक 28, सत्य 21 क्योंकि 4 बार में तो है, सत्य 21 रिमाइंडर कितना बच गया 5, क्योंकि 26 में दे रहे ना, सत्य 21 रिमाइंडर बचा, जनवरी से 5 बचा, फरवरी हमें पता है 28 का ही महीना होता है, 7 चक 28 रिमाइंडर 0, लिख दो 0 कोई दिक्कत नहीं है। मार्च की बात करें तो 7 चक 28 महीना 31 का होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा, अप्रैल में 30 का महीना होता है तो रिमाइंडर 2 बचेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जब मार्च 31 का अप्रैल 30 का तो मई में 3 बचेगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, और अगस्त हमें कहां तक चलना है, 15 अगस्त तक चलना है, तो 15 अगस्त में 2 दिन से 7 से भाग दीजिए, 7 दिन 14 रिमाइंडर बचा 1। अगर ये सीख रहे हैं तो समझिएगा कि आप हमारे साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 1 19, फिर से 5 3 8 2 10 3 13 2 15 15 3 18 और 1 19, 19 बटे 7 करेंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, कितने बार में भाग लगा उससे में कोई मतलब नहीं है, 7 दूनी 14 शेष बचा 5, और आप बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मंडे इज द राइट आंसर, जा रहा है एकदम एकदम परफेक्ट जा रहा है आपके अंडर, हाँ या ना, जा रहा है, अरे बिल्कुल जा रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों का, अब लग रहा है कि सीख जाएंगे हा? अच्छा एक बात और, एक प्रश्न ऐसे कि यदि 5 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी में कितने सोमवार होंगे, कितने सोमवार होंगे, कितना बेहतरीन सवाल, और यही सब प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार देखा है मैंने, काफी बार देखा है, आइए करते हैं सॉल्व। ठीक है, 5 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी में कितने सोमवार होंगे, देखिए 5 को जब बुधवार है, पहले आप सोमवार तक जाने की कोशिश करिए, 5 को जब बुधवार है तो सिंपल सी बात है, 5 को जब वेडनेसडे है तो सिंपल सी बात है, 4 को है ट्यूजडे मंगलवार तो सिंपल सी बात है, 3 को होगा मंडे, और हमें मंडे का ही तो बात चाहिए भाई, कितने सोमवार होंगे, जब 3 को मंडे है तो 7 दिन बाद 10 को भी मंडे होगा, 17 को भी मंडे होगा, 17 7 24 को भी मंडे होगा, और याद रखिएगा कि जनवरी की बात कर रहा है तो जनवरी 31 का महीना होता है, 24 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो लीजिए 31 को भी मंडे आ गया, यानी 1 मंडे 2 मंडे 3 4 5 5 मंडे
दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और हाँ, एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है धीरे धीरे, यहाँ पे क्विज भी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव के लिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल. और इसके ऊपर एक बैच है, मक्खन बैच, मैथ और रीजनिंग स्पेशल बैच है, जिसमें पूरे एक साल तक आपको मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी करवाई जाएगी. कॉम्पिटेटिव वाले में जाइए, पेड कोर्स में. और बिल्कुल भी सोचिए मत, तुरंत बाय नाउ करिए. अगर बाय नाउ करने में कोई परेशानी है, 6200-7338-58 पे कॉल करिए और तुरंत बोलिए सर हमें मक्खन बैच ज्वाइन करना है. फीस भी बहुत कम है, फीस है 499 एक महीने का. अरे नहीं नहीं, पूरे एक साल का, मैथ का नहीं, नहीं मैथ और रीजनिंग दोनों का. रिकॉर्डेड होगा या लाइव? फुल्ली लाइव बैच है वो, ठीक है. अभी तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो नया बैच है. और वो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सब सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम देगा, क्योंकि वहां पे अरिथमेटिक का पूरा संपूर्ण निचोड़, पूरा एक साल बैच चलेगा जी. एक साल, 12 महीना 14 महीना जितना लग जाए, सोचना नहीं है, बिल्कुल पढ़ाएंगे उसमें हम आपको, ठीक है. तो ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है. वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए कंटिन्यू. और अगली क्लास इतनी खतरनाक होगी ना, सबसे हार्ड एरिया कवर करेंगे कैलेंडर का. और वो अगली क्लास तभी आएगी जब बहुत सारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट रहेंगे. और मैं व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ वीडियो का, कि एक बच्चा कितना देर तक वीडियो मेरा देख रहा है, उस आधार पर मैं लेके आता हूँ. अगर व्यू ड्यूरेशन बहुत लंबा रहा, जैसे मान लो कि अगर ये आधे घंटे की वीडियो है, अगर हर बच्चा इस वीडियो को, व्यू ड्यूरेशन ऐसे माना जाता है 25% 30% होता है, मतलब 8 मिनट 7 मिनट 6 मिनट, अगर ये 10 मिनट प्लस हो जाएगा तो अगली वीडियो मैं आपके पास जरूर रखूंगा कैलेंडर की चौथी क्लास. और यकीन मानिए इससे बेहतर वो रहेगा, इससे कई गुना ज्यादा बेहतर. और आप चाहते हैं कि इसका व्यू ड्यूरेशन बढ़े, लाइक्स बढ़े, शेयर बढ़े, तो शेयरिंग का ऑप्शन है आपके पास, तो आप वो करें. बहुत मजेदार क्लास है, बहुत मजा आने वाला है, एकदम मैराथन होने वाला है, ठीक है. और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट और भी लाते रहेंगे हम आपके लिए. ओके.